हेलो एवरीवन, दिस इज़ टेक कोडर एबी। वेलकम टू जावा प्रोजेक्ट सीरीज़। और हम आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ में, जहां पर आज हम क्रिएट करने वाले हैं हमारे सर्च रूम क्लास को। सर्च रूम क्लास क्या है? जहां पर हमारा जो कस्टमर होगा या कस्टमर के लिए जो रूम्स होंगे वो सर्च कर सकते हो। जैसे कि आप एक काउंटर पर खड़े हो, आप किसी होटल के रिसेप्शन पर आप खड़े हो, कि कोई आया आपके पास कि रूम्स अवेलेबल हैं, तो आप चेक कैसे करोगे कि हाँ रूम्स अवेलेबल हैं? ठीक है, तो इस क्लास की हेल्प से आप रूम्स को चेक कर पाओगे कि कितने रूम्स आपके पास हैं और उन रूम्स में से कितने रूम आपके पास अवेलेबल हैं और कितने रूम आपके पास ऑक्यूपाइड हैं। वो सभी डिटेल्स आप यहाँ पर चेक कर पाओगे और इंस्टेंटली सामने जो भी कस्टमर है उसको आप बता पाओगे। ठीक है, तो पूरी क्लास को एक्सप्लेन करेंगे कैसे सभी चीज़ों को हम देखने वाले हैं, तो आपको एंड तक देखना वीडियो को, सभी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस को अगर अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस को भी जाकर के चेकआउट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हमको यहाँ पर हमारे पैकेज पर जाकर के, हमारी जो न्यू पर जाकर के जावा क्लास को क्रिएट करना पड़ेगा। और जो क्लास का नेम होगा वो मैं देने वाला हूँ सर्च। सिंपली मैंने यहाँ पर सर्च रूम के नाम से एक क्लास को क्रिएट कर लिया। फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर लेते हैं, नीचे आते हैं, मेन फंक्शन को बना लेते हैं, और मेन फंक्शन के बनाने के बाद कंस्ट्रक्टर को बनाना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं। सिंपली कंस्ट्रक्टर जो होगा वो जो आपकी क्लास का नाम है सेम उसी नेम पर हमारा जो कंस्ट्रक्टर होगा वो बनाया जाता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट के लिए सिंपली न्यू सर्च रूम के नाम से मैं यहाँ पर करता हूँ। ऑब्जेक्ट भी बनकर रेडी हो चुका है, इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब फ्रेम को बनाना पड़ेगा। तो फ्रेम को बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली मैं एक्सटेंड करवा लेता हूँ, एक्सटेंड्स जे फ्रेम। यहाँ पर मैं सिंपली जे फ्रेम से एक्सटेंड कर लेता हूँ, बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करना है, यहाँ पर हमको फ्रेम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ साइज और सेट वगैरह करना पड़ेगा। तो सेट साइज करते हैं फ्रेम के लिए। फ्रेम के जब विड्थ होगी वो हो जाएगी 700, हाइट हो जाएगी 500। विजिबिलिटी को यहाँ पर ट्रू करना पड़ेगा, तो सेट विजिबिलिटी करता हूँ और यहाँ पर पास कर देते हैं ट्रू। बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर लोकेशन को एक सेकेंड, विजिबिलिटी एक्चुअली नीचे ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। सेट साइज़ के ऊपर करते हैं। सेट लेआउट को पहले नल कर लेते हैं क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर लेआउट होता है हमारे फ्रेम का। और जो लोकेशन होती है वो भी सेट करना पड़ेगी क्योंकि हमारा जो फ्रेम है बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट टॉप कॉर्नर से ओपन होता है। ठीक है, लोकेशन क्या हो जाएगी, x से हो जाएगी 500, y से हो जाएगी 200। ठीक है, सेट अनडेकोरेटेड को हम बाद में करेंगे। एक बार अभी राइट क्लिक करते हैं और क्लास को रन कर लेते हैं कि फ्रेम हमारा परफेक्ट पोजीशन पर और साइज़ पर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो फ्रेम का साइज़ है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद अब क्या करना है, अब हमको हमारे टेबल के फ्रेम पर पैनल को लेना पड़ेगा और उस पैनल के अंदर सभी एलिमेंट्स को ऐड करवाना पड़ेगा। तो पैनल के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर जे पैनल का यूज़ करूँगा। जे पैनल नेम पैनल इक्वल्स टू यहाँ पर न्यू जे पैनल और इसको कर देते हैं क्लोज। पैनल जो है उसको वापस लेना पड़ेगा और यहाँ पर करूँगा सेट बैकग्राउंड, यहाँ पर न्यू कलर, और कलर जो होगा वो आर जी बी वैल्यू मांगा, तो आर की वैल्यू 3, जी की 45, वी की 48। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वापस से पैनल लेते हैं, यहाँ पर अब सेट बाउंड करते हैं क्योंकि जो पैनल की पोजीशन होगी वो भी हमको बताना पड़ेगी। तो एक्स से हो जाएगा 5, वाई से हो जाएगा 5, विड्थ हो जाएगी 690, हाइट हो जाएगी 490। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। 690 490 कैसे ली, क्या 10 वैल्यूज़ को मैंने कहाँ पर माइनस किया, वो अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ देख रहे हो आप तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जा रही होंगी। ठीक है, वापस से पैनल का जो लेआउट होता है उसको हमको नल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिंपली मैं सेट लेआउट को करूँगा यहाँ पर नल। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। ऐड करवा लेते हैं फ्रेम पर हम हमारे पैनल को। सिंपली ऐड किया, शिफ्ट प्लस F10 को मैंने प्रेस किया, क्लास हमारी रन होना स्टार्ट हो गई है, बिल्ड हो रही है, फ्रेम हमारे सामने आ चुका है। फ्रेम का साइज़ जो है बिल्कुल परफेक्ट है, पैनल का जो कलर है बहुत सही दिख रहा है। ठीक है, कोई भी इशू नहीं है। अब हमको यहाँ पर लेबल्स को बनाना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट लेबल्स को क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेबल्स के लिए पहले सभी लेबल्स को बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर लेते हैं जे लेबल, इसको मैं नेम देने वाला हूँ यहाँ पर सर्च फॉर रूम। ठीक है, ये सर्च फॉर रूम आपके पास एक लेबल होने वाला है। सिंपली मैंने यहाँ पर सर्च फॉर रूम ले लिया नेम और इक्वल्स टू करके न्यू लेबल लेता हूँ, इसको कर देते हैं क्लोज। ठीक है, लेबल पर क्या विजिबल करवाना है वो हम डबल कोट्स के अंदर बताएंगे। तो सिंपली लेबल पर भी मेरे को क्या विजिबल करवाना है, सर्च फॉर रूम। सिंपली मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर थोड़ी स्पेसिंग दे देता हूँ, एस जो है सर्च का वो कैपिटल कर देता हूँ, सर्च फॉर रूम।
बिल्कुल सही है, ठीक है। नीचे आ जाते हैं वापस, यहाँ पर मैं सर्च फॉर रूम लेकर के इसको करता हूँ सेट बाउंड, ठीक है। पोजीशन जो होगी वो कैसे होगी, वो यहाँ पर x से हो जाएगी 250, y से 11 दे देते हैं, ब्रेथ यहाँ पर 186 बिल्कुल सही होगी, और जो हाइट हो जाएगी वो 31 हो जाएगी, ठीक है। नीचे आते हैं वापस से सर्च फॉर रूम लेते हैं और इसको कर देते हैं सेट फोरग्राउंड। एक्चुअली सर्च फोरग्राउंड करना पड़ेगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो कलर होता है वो ब्लैक होता है और जो बैकग्राउंड है वो ऑलवेज ग्रीन हम लेकर के चल रहे हैं, तो ग्रीन के ऊपर ब्लैक हाइट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर कलर जो कलर है टेक्स्ट का कलर हम यहाँ पर वाइट कर देते हैं। सिंपली वाइट कर दिया, ठीक है। वापस सर्च फॉर रूम लेकर के इसको मैं करने वाला हूँ अब सेट फॉन्ट, ठीक है। थोड़ा सा फॉन्ट की स्टाइल वगैरह दे देते हैं, तो स्टाइल यहाँ पर वन सेकेंड, यहाँ पर पहले लेना पड़ेगा न्यू फॉन्ट, डबल कोट्स के अंदर फॉन्ट की जो स्टाइल होगी वो होगी तहोमा। सिंपली मैंने यहाँ पर तहोमा दे दिया। नेक्स्ट करते हैं फॉन्ट डॉट बोल्ड, यहाँ पर बोल्ड ले लिया, कॉमा दे करके हमारे जो फॉन्ट का साइज होगा वो हो जाएगा 20, ठीक है। बिल्कुल सही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पैनल डॉट ऐड करवा लेते हैं, यहाँ पर मैंने पैनल डॉट ऐड लिया और इसके अंदर पास कर देता हूँ सर्च फॉर रूम। क्लोज कर देते हैं, शिफ्ट प्लस F10 को प्रेस किया, क्लास हमारी रन होना शुरू हो चुकी है। क्लास हमारी रन हो चुकी है, यहाँ पर आप देखो सर्च फॉर रूम हमको बिल्कुल परफेक्ट विजिबल हो रहा है, ठीक है। इसके बाद अब हमको और भी लेना है, और भी लेबल्स को लेना है। वो लेबल्स क्या होंगे, हमारे रूम बेड टाइप होगा, ठीक है, फिर उसके बाद रूम नंबर होगा, अवेलेबिलिटी होगी, प्राइस होगा, ये सभी चीज़ें हमारी टेबल के ऊपर आने वाली है। तो पहले क्या करते हैं, सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं, एक चॉइस बना लेते हैं, उसके पहले हम एक चॉइस को क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और एक रेडियो बटन को भी बनाना पड़ेगा, कॉम्बो बॉक्स भी बनाना पड़ेगा हमको एक, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर सिंपली नीचे आकर के मैं यहाँ पर ले लूँगा हमारे चेक बॉक्स को बना लेते हैं पहले, कि अवेलेबल, सिर्फ अवेलेबल वाले रूम्स दिखाना है हमको, तो उसके लिए एक चेक बॉक्स होगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करता हूँ, चेक बॉक्स इसको पहले ग्लोबली डिक्लेयर करवा लेते हैं। यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ चेक बॉक्स, एक्चुअली ये होता है जे चेक बॉक्स, ठीक है। और यहाँ पर मैं दे दूंगा सिंपली चेक बॉक्स, इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। नीचे आते हैं, इसको मैं यहाँ से यहाँ कॉपी करता हूँ, नीचे आकर के हमारे इस पैनल के अंदर लेबल के नीचे आकर के यहाँ पर मैं चेक बॉक्स इक्वल्स टू न्यू चेक बॉक्स, ठीक है, बिल्कुल सही है। इसको क्लोज करके इसके अंदर मेरे को पास करना है ओनली डिस्प्ले अवेलेबल, ठीक है। सिंपली मैंने यहाँ पर ले लिया ओनली डिस्प्ले अवेलेबल, और जो चेक बॉक्स है वो वापस मेरे को यहाँ पर रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर अरे क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर मैंने चेक बॉक्स ले लिया, इसको कर देते हैं सेट बाउंड, ये हो गया सेट बाउंड। और एक्स से पोजीशन हो जाएगी 400, वाई से 69, हाइट जो होगी वो यहाँ पर 23 होने लगे, बट ब्रेथ जो पहले ले लेते हैं तो 205 ब्रेथ हो गई और हाइट 23, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर वापस से चेक बॉक्स लेना पड़ेगा और इसको कर देता हूँ अब मैं सेट फोरग्राउंड, ठीक है। सेट फोरग्राउंड किया, यहाँ पर न्यू कलर नहीं, एक्चुअली सिंपली कलर डॉट वाइट दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर फिर से चेक बॉक्स डॉट, और मैं यहाँ पर करने वाला हूँ हमारा बैकग्राउंड को सेट। तो सिंपली यहाँ पर कर दिया सेट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड को सेट करवाने के लिए यहाँ पर मेरे को न्यू कलर को लेना पड़ेगा क्योंकि हमारे जो फ्रेम का कलर से मैच होना चाहिए। तो R की वैल्यू यहाँ पर 3, G की 45 और B की 48, ठीक है, नो प्रॉब्लम। वापस से चेक बॉक्स लेते हैं और इसको कर दूंगा अब मैं सेट फॉन्ट। एक्चुअली सेट फॉन्ट करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार पहले ऐड करवा लेते हैं, अगर लगेगा तो फिर हम फॉन्ट स्टाइल को भी सेट कर लेंगे, ठीक है। सिंपली यहाँ पर पैनल के ऊपर ऐड करवाएं, तो पैनल डॉट ऐड करते हैं और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ चेक बॉक्स को, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लोज करते हैं, शिफ्ट प्लस F10 को प्रेस किया, क्लास हमारे सामने रन होकर के आ चुकी है और चेक बॉक्स जो है वो भी बिल्कुल परफेक्ट हमको यहाँ पर विजिबल हो रहा है, ठीक है। बॉक्स पर क्लिक करने से चेक हमारे पास सामने आ रहा है, ओनली डिस्प्ले अवेलेबल भी बिल्कुल परफेक्टली हमारे फ्रेम पर विजिबल हो रहा है, ठीक है। इसको कर देते हैं क्लोज, अब हमको एक चॉइस भी चाहिए, तो वो चॉइस को ग्लोबली डिक्लेयर करवाना पड़ेगा। तो जे चेक बॉक्स के नीचे आकर के मैं यहाँ पर करने वाला हूँ चॉइस, ठीक है, और यहाँ पर दे देता हूँ चॉइस, इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, नीचे ला करके हमारे चेक बॉक्स के नीचे यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट, चॉइस इक्वल्स टू, वन सेकेंड क्या हुआ, चॉइस इक्वल्स टू, एक मिनट, चॉइस इक्वल्स टू न्यू चॉइस, ठीक है। इसको कर दिया क्लोज
और चॉइस में क्या होगा, एक ड्रॉप डाउन होगा जहां पर हमारे पास दो ऑप्शंस होंगे, एक सिंगल बेड का ऑप्शन होगा, एक डबल बेड का ऑप्शन होगा। तो मैं यहां पर सिंपली क्या करूंगा, चॉइस डॉट एड, और इसके अंदर मैं डबल कोट्स के अंदर पास कर दूंगा सिंगल, single, सिंपली मैंने यहां पर सिंगल ले लिया और सिंगल बेड ये हो गया। फिर यहां पर चॉइस ले लेता हूं और वापस यहां पर ऐड करवा लेते हैं, और इसके अंदर डबल कोट्स में मैं पास कर दूंगा डबल बेड। सिंपली हमने यहां पर ले लिया डबल बेड। चॉइस को यहां पर मेरे को सेट बाउंड करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा चॉइस को किस पोजीशन पर सेट करना है फ्रेम के। तो सेट बाउंड किया एक्स से 115, एक्चुअली 115 ज़्यादा कम हो जाएगी, यहाँ पर एक्स से 153 दे देता हूँ, ठीक है, कॉमा देकर के वाई से 70, ब्रेथ 120, हाइट यहाँ पर 20, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली ये एड नहीं लेना था, शिट हमने क्या कर रहा हूँ यार, यहाँ पर मेरे को सेट बाउंड करना था, ठीक है, अब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐड करवा लेते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर पैनल डॉट एड का यूज़ करके इसके अंदर पास कर दूंगा हमारे चॉइस को। क्लोज करते हैं, शिफ्ट प्लस F10 को मैंने यहाँ पर वापस प्रेस किया, क्लास हमारी रन होना शुरू हो चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे सामने एक ड्रॉप डाउन आ चुका है, ठीक है, जहां पर हम सिंगल बेड या डबल बेड को चॉइस सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसको कर दिया क्लोज। इसके बाद हमारे पास दो बटन्स भी होने वाली हैं, वो दो बटन्स कौन सी होंगी, एक सर्च वाली बटन होगी और एक बैक बटन होगी, ठीक है। बट उसके पहले क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। टेबल को कैसे लेना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर चॉइस के नीचे आते हैं और यहाँ पर आकर के मेरे को यहाँ पर लेना पड़ेगा ट्राई और कैच। एक काम करते हैं, ट्राई और कैच बाद में लेंगे, पहले टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो टेबल को पहले ग्लोबली डिक्लेयर करवाना पड़ेगा, तो मैं चॉइस के नीचे आकर के जे टेबल को यहाँ पर लेता हूँ, यहाँ पर सिंपली टेबल प्रोवाइड कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। नीचे आते हैं, चॉइस के नीचे आकर के यहाँ पर टेबल इक्वल्स टू न्यू जे टेबल और इसको कर देते हैं क्लोज, ठीक है। टेबल डॉट सेट बाउंड करना पड़ेगा, टेबल डॉट सेट बाउंड, बिल्कुल ठीक है। एक्स से पोजीशन 0 रहेगी टेबल की, वाई से 187, ब्रेथ जो होगी वो 700 और हाइट जो होगी वो 250, एक्चुअली ये 150 हो गया, 250, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नीचे आते हैं, वापस से मैं यहाँ पर टेबल लेता हूँ, टेबल लेकर के सेट बैकग्राउंड करना पड़ेगा। टेबल के कलर को क्योंकि अलग नहीं रखेंगे, यहाँ पर मेरे को लेना पड़ेगा न्यू कलर, ठीक है, बिल्कुल सही है, न्यू कलर। R की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 3, G की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 45, B की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 48, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे वापस आकर के यहाँ पर टेबल लेते हैं और इसको मैं कर दूंगा सेट फोरग्राउंड, और यहाँ पर मैं कलर लेने वाला हूँ जो कि है वाइट, तो कलर डॉट मैंने वाइट ले लिया, ठीक है। इसके नीचे आकर के यहाँ पर लेंगे, अब ऐड करवा लेते हैं, सिंपली पैनल डॉट ऐड में यहाँ पर लेने वाला हूँ और टेबल को यहाँ पर पास कर देंगे, क्लोज कर देते हैं। टेबल जो है वो आ चुकी है, ठीक है, अब टेबल के अंदर डेटा को सेट करवाना पड़ेगा कि रूम जो टेबल है हमारी, वो रूम टेबल के अंदर जो हमारे रूम टेबल मतलब कि हमारा जो डेटाबेस है, एक बार मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने हमारा जो MySQL वर्कबेंच था, मैंने इसको ओपन कर लिया और यहाँ पर आकर के मैं सबसे पहले आप देखो यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रूम के नाम से। मैं यहाँ पर इस कोड को रन करता हूँ, आप देख सकते हो टेबल ओपन होके आ चुकी है रूम नाम से हमारे पास जो है हमारे डेटाबेस के अंदर, जहाँ पर सभी रूम्स हमारे स्टोर हैं, ठीक है। इस रूम वाली जो टेबल है इसमें से यहाँ से डेटा निकालना है और फ्रेम पर हमको विजिबल करवाना है, तो इसको क्लोज करते हैं। इंटेलिजेंट आइडिया पर आते हैं, यहाँ पर आकर के मैं लूँगा ट्राई, ठीक है, एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं इसलिए यहाँ पर ट्राई एंड कैच ज़रूर लेना, और यहाँ पर ले लेते हैं एक्सेप्शन ई, बॉडी को ओपन कर लेते हैं, नीचे आकर के ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस कर दिया, बिल्कुल सही है। ट्राई के अंदर आकर के हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर कॉन सी इक्वल्स टू न्यू कॉन ले लेते हैं, क्लोज कर देते हैं। नीचे आकर के हमको यहाँ पर डेटा को निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर स्ट्रिंग ले लेता हूँ, स्ट्रिंग क्यू इक्वल्स टू क्वेरी को लिखना पड़ेगा, तो क्वेरी हमारी क्या होगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रूम। सिंपली मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम रूम, बिल्कुल ठीक है, इसको कर देते हैं क्लोज। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रूम ले लिया, नीचे आ जाते हैं, वापस आकर के यहाँ पर मेरे को लेना पड़ेगा अब टेबल और इसको करना पड़ेगा सेट मॉडल। सेट मॉडल करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर यूज़ करेंगे हम डीबी यूटिल्स का। डीबी यूटिल्स का हम कैसे क्या यूज़ करें ये सभी चीज़ें आपको पता होंगी, ठीक है। डीबी यूटिल्स मैं यहाँ पर लेता हूँ और यहाँ पर रिजल्ट सेट टू टेबल मॉडल यहाँ पर मैंने कर दिया, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर मैं पास कर दूंगा
पहले क्वेरी को भी रन करना था यार, हमने क्वेरी को तो रन ही नहीं किया, हमने सिर्फ क्वेरी को बना दिया। सॉरी मेरी मिस्टेक थी, यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग क्यू ले लिया और क्वेरी को लिख दिया, बट क्वेरी को रन नहीं किया। अब क्वेरी को रन भी करना पड़ेगा और जो डेटा आएगा वो मेरे को यहाँ पर रिजल्ट सेट के अंदर स्टोर करवाना पड़ेगा। सिंपली मैं यहाँ पर ले लेता हूँ रिजल्ट सेट और यहाँ पर नेम रिजल्ट सेट इक्वल्स टू सी डॉट यहाँ पर स्टेटमेंट, और जब डेटा को हमको निकालना होता है तो एग्जीक्यूट क्वेरी, और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा क्यू को। ठीक है, यहाँ पर एक्साइटमेंट में मैंने यहाँ पर जो क्वेरी थी उसको तो रन किया ही नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्वेरी बनाई, पहले सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रूम, और जो हमारी क्वेरी है वो यहाँ पर बन गई। अब यहाँ पर सी डॉट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट क्वेरी को मैंने किया और इसके अंदर क्यू को पास कर दिया। ठीक है, क्वेरी हमारी जब रन होगी तो जो भी डेटा बेस में हमारा टेबल के अंदर डेटा है वो निकल कर आएगा और हमारे रिजल्ट सेट के अंदर स्टोर हो जाएगा, और वो रिजल्ट सेट का डेटा जो अब आकर के स्टोर हो चुका है उसके अंदर, तो हम क्या करेंगे, अब हमारी जो टेबल है उसके अंदर स्टोर करवाना है। तो सिंपली यहाँ पर जो हमने रिजल्ट सेट टू टेबल मॉडल किया है इसके अंदर मैं पास कर दूंगा रिजल्ट सेट को। ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हमारा डेटा अब टेबल पर विजिबल होना चाहिए। सिंपली मैं क्या करूँगा, शिफ्ट प्लस F10 प्रेस करूँगा और क्लास को रन कर लूँगा। आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो डेटा है वो निकल कर आ चुका है और हमारे पास यहाँ पर सभी रूम्स जो हैं वो हमारी टेबल के ऊपर विजिबल होना शुरू हो गए। ठीक है, बिल्कुल सही है, यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। अब लेबल्स को क्रिएट करना पड़ेगा, लेबल्स को कैसे क्रिएट करेंगे तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, तो अब मैंने इसको क्लोज कर दिया, यहाँ पर जो हमारा रन कमांड था मैंने इसको क्लोज कर दिया। यहाँ पर आकर के अब हमको सभी लेबल्स को और लगाना है कि सभी चॉइस जो है हमारी और उनके ऊपर जो भी लेबल्स वगैरह हैं वो हमको सेट करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, हमारे लेबल के लिए सिंपली यहाँ पर नीचे आते हैं, थोड़ी सी स्पेस बना लेता हूँ, सर्च फॉर रूम के नीचे मैंने यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस बना ली और यहाँ पर आकर के लेबल्स को लेना है। तो लेबल्स के लिए मैं क्या करता हूँ, या तो इस पूरे कोड को कॉपी कर लेता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ, या तो अलग से पूरे कोड को लिख लेता हूँ। तो मैं बेटर ये समझूंगा कि ये वाले जो कोड है इसको कॉपी कर लेंगे क्योंकि वीडियो लेंदी ना हो इसलिए। ठीक है, यहाँ पर कर देंगे पेस्ट, लेबल्स को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर जो लेबल होगा, अब जो हमने वो ड्रॉप डाउन बनाया ना सिंगल बेड डबल बेड के लिए, तो उसके सामने एक लेबल भी चाहिए पड़ेगा ना, बताएगा कि ये रूम बेड टाइप का सिलेक्ट करो। ठीक है, ऐसा तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, RBD दे देता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पर RBT दे देता हूँ, रूम बेड टाइप। ठीक है, और डबल कोट्स के अंदर यहाँ पर भी मैं चेंज करके यहाँ पर रूम बेड टाइप, सिंपली मैंने यहाँ पर ले लिया रूम बेड टाइप। ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर सेट बाउंड पे पोजीशंस को चेंज करना पड़ेगी, तो एक्स से हो जाएगी 50। ठीक है, वाई से हो जाएगी यहाँ पर 73, यहाँ पर 73 ले लेते हैं। ब्रेथ यहाँ पर मेरे को इतनी ज़्यादा नहीं देना, मैं यहाँ पर सिंपली 96 दे देता हूँ। हाइट में यहाँ पर 14 दे देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल सही है, यहाँ पर बाकी सब कुछ सेम रहेगा, नहीं सब कुछ सेम नहीं रहेगा, यहाँ पर जो हमारी फॉन्ट है ना, न्यू फॉन्ट जो हमने लिया है, यहाँ पर साइज़ 20 है, 20 बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, हमको यहाँ पर सिंपली 14 देना पड़ेगा। ठीक है, साइज़ को यहाँ पर 14 दे दिया, बिल्कुल ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐड करवा लेते हैं, तो यहाँ पर RBT जो है इसको सभी जगह पर मैं IDs को चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, ये चेंज कर दिया, शिफ्ट प्लस मैंने F10 वापस से प्रेस किया और एक बार चेक कर लेते हैं जो हमारा कोड है वो शो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है हमारा लेबल। तो यहाँ पर आप देखो रूम बेड टाइप टाइप जो है वो छुप गया। ठीक है, यहाँ पर टाइप विजिबल नहीं हो रहा है, तो इसको क्लोज कर देते हैं। ब्रेथ को यहाँ पर इंक्रीज करके मैं यहाँ पर कर देता हूँ 120। शिफ्ट प्लस F10 वापस से प्रेस करता हूँ, क्लास को रन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखो हमारा जो कोड है वो आ चुका है। ठीक है, वो यहाँ पर रूम बेड टाइप आ चुका है, बट वो हमारे चॉइस के ऊपर आ गया, तो चॉइस को थोड़ा सा और शिफ्ट करना पड़ेगा। तो नीचे आते हैं, चॉइस पर आते हैं, यहाँ पर जो x से 153 था तो मैं इसको सिंपली 160 कर देता हूँ या 158 कर देता हूँ। ठीक है, अब एक बार 158 करके एक बार क्लास को रन करते हैं। पहले 153 था, अब इसको चेंज करके मैंने 158 कर दिया है। क्लास को रन किया, यहाँ पर अभी भी बिल्कुल परफेक्ट शिफ्ट नहीं हुआ। ठीक है, इसको 60 कर देते हैं, अब 160 कर दिया, शिफ्ट प्लस F10 प्रेस किया, क्लास को रन कर दिया है।
अभी भी ये 160 पे थोड़ा और शिफ्ट करना पड़ेगा, तो मैं इसको 165 कर देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा शिफ्ट ना हो जाए अब। ठीक है, नहीं होगा वैसे, 165 परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, 165 किया, क्लास को रन कर दिया है। यहाँ पर अभी भी कम है, अभी भी कम है, मेरे को 165 से और शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर 165 या फिर यहाँ पर 170 कर देता हूँ अब सीधा सीधा, फिर से 5 इंक्रीज कर देता हूँ, देखते हैं कैसा क्या दिखने वाला है यहाँ पर। अब ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर बेड टाइप जो है वो बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है, साथ में हमारा जो ड्रॉप डाउन है वो भी सही दिख रहा है। हाइट को और इंक्रीज कर लेते हैं, टी और पी, वाई और पी का जो हमारे वो है ना लेबल में, यहाँ पर कहाँ गया, ये जो लेबल है हमारा रूम बेड टाइप, इसमें जो हमारी हाइट हमने 14 दी है, इसको हमको इंक्रीज करके यहाँ पर 25 करना पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो वाई और पी है उसका जो लेबल्स है वो यहाँ पर परफेक्ट विजिबल नहीं हो रहा था। क्लास को वापस से रन किया, वाई की जो लाइन होती है और पी की जो लाइन होती है जो नीचे की तरफ आती है वो बिल्कुल छुप गई थी, इसलिए यहाँ पर मैंने हाइट जो है इसको इंक्रीज़ किया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ये भी सही है, वो भी सही था, और इसको ज़्यादा एक्चुअली ये 25, ठीक है 25 ज़्यादा हो गया, 20 कर लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा लगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, यहाँ पर ये अब चीज़ें सही हो गई हैं। ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल सही आ रही है। अब हमारी जो टेबल है ना, ये इसमें कॉलम कौन सा कॉलम किसके लिए है वो हमको शो करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए यहाँ पर जैसे 101 है, ये हमारा रूम नंबर है, अवेलेबिलिटी है, अवेलेबल है, ऑक्यूपाइड है, या फिर स्टेटस है, क्लीन है या फिर नहीं है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर शो करवाना पड़ेगी। तो मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पर आकर के अब वापस से इस पूरे लेबल को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और नीचे ला करके यहाँ पर कर दूँगा पेस्ट। आईडी को चेंज कर लेते हैं, नेक्स्ट लेवल सबसे पहले हमारे टेबल के लिए होने वाला है रूम नंबर, तो आरबीटी जो है इसको मैं चेंज करके यहाँ पर आरएन ले लेता हूँ। ठीक है, आईडी आप कुछ और भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर भी मैं चेंज कर देता हूँ सभी जगह पर, वन सेकेंड, यहाँ पर चेंज, ये भी और ये भी। ठीक है, आरएन कर दिया है यहाँ पर रूम नंबर, जो डबल कोट्स के अंदर है इसको भी रिमूव करके मैं यहाँ पर करने वाला हूँ रूम नंबर। यहाँ पर मैंने ले लिया रूम नंबर, एंड जो है इसको कैपिटल कर देते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। पोजीशन जो होगी वो चेंज होगी, एक्स से पोजीशन हो जाएगी 50 की जगह 23, वाई से 73 है, इसको कट करके कर देते हैं 162, बिल्कुल ठीक है। ब्रेथ यहाँ पर मेरे को कम करना पड़ेगी, जो कि यहाँ पर होने वाली है 100, और हाइट सेम होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लास को एक बार रन करके देखते हैं, पोजीशन परफेक्ट है और जो हमारे लेबल्स है वो अच्छे से दिख रहे हैं या फिर नहीं दिख रहे हैं। क्लास रन हुई, यहाँ पर जो हमारा रूम नंबर है आप देख सकते हो NUM दिख रहा है, उसके आगे का नहीं दिख रहा, तो मेरे को ब्रेथ को वापस इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 100 है, मैं इसको 150 कर देता हूँ। क्लास को शिफ्ट प्लस F10 से मैंने रन किया, अब आप यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा रूम नंबर है वो बिल्कुल परफेक्टली विजिबल हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही है। एक और लेबल लेना पड़ेगा नेक्स्ट अवेलेबिलिटी का, कि रूम्स हमारे अवेलेबल हैं या फिर नहीं है, तो यहाँ से कॉपी किया, नीचे ला करके पेस्ट कर दिया, एवी ले लेता हूँ, अवेलेबल ही ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने सिंपली अवेलेबल ले लिया, इसको कॉपी करता हूँ, सभी जगह पर आईडी जो है इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, जो रूम नंबर है यहाँ पर मेरे को लेना है अवेलेबिलिटी, यहाँ पर मैंने ले लिया, बिल्कुल सही है। पोजीशन जो है वो चेंज करना पड़ेगी, एक्स से हो जाएगी 175, सिंपली यहाँ पर 175, वाई से पोजीशन चेंज होकर के हो जाएगी 162, एक्चुअली 162 बिल्कुल सही थी, और जो ब्रेथ है वो 150, हाइट 20, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लास को रन करते हैं और लेबल की जो पोजीशन है उसको एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जो अवेलेबिलिटी वाला हमारा जो लेबल है वो भी बिल्कुल सही से आ रहा है। अब जल्दी जल्दी हम आगे के जो हमारे 3 लेबल्स हैं उनको और सेट करवा लेते हैं। तो इस पूरे मैं यहाँ से वापस से कोड को कॉपी करता हूँ, नीचे ला करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब हमारे पास है प्राइस, की रूम का प्राइस क्या है, यहाँ पर मैं प्राइस ले लेता हूँ, इसको किया कॉपी, सभी जगह पर आईडी को कर देंगे चेंज। ठीक है, और डबल कोट्स के अंदर भी चेंज करके प्राइस कर दिया, पी को कर देते हैं कैपिटल, बिल्कुल सही है। पोजीशन जो एक्स से 175 है इसको कट करके करना है यहाँ पर 458, और जो वाई से है इसको कट करके वाई से हमको करना है 162 एक्चुअली पहले भी थी, मैंने क्यों कट किया इसको। ठीक है, वाई से सेम चल रही है, सिर्फ एक्स से हमको पोजीशन को चेंज करना है। ठीक है,
सब कुछ सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वापस इस पूरे कोड को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, नीचे ला करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट लेवल हमारा होगा बेड टाइप का, तो प्राइस को यहाँ पर BT लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पर BT ले लेता हूँ। कॉपी किया, यहाँ पर चेंज ये भी और ये भी, ठीक है। प्राइस के अंदर मेरे को करना है बेड टाइप, तो सिंपली मैं यहाँ पर बेड टाइप ले लेता हूँ। किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कॉलम भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। पोजीशन X से हो जाएगी यहाँ पर 580, Y से हो जाएगी सेम, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। एक बार शिफ्ट प्लस F10 को मैंने प्रेस किया, क्लास हमारी रन होना शुरू हो चुकी है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो सभी जो लेबल्स हैं वो हमारे बिल्कुल परफेक्टली विजिबल हो रहे हैं, बट हमने यहाँ पर एक लेबल मिस कर दिया, क्लीनिंग स्टेटस का। हमको यहाँ पर क्लीनिंग स्टेटस का भी लेबल चाहिए, तो यहाँ पर मैं सिंपली बेड टाइप के नीचे यहाँ पर कॉपी करता हूँ कोड को और नीचे ला करके यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। BT जो है इसको करना है ST, क्योंकि ये क्लीनिंग स्टेटस है। SS कर देते हैं, एक काम करते हैं, और सभी जगह पर मैं यहाँ पर चेंज करके SS कर देता हूँ, ये भी सही है। डबल कोट्स के अंदर यहाँ पर मेरे को करना है क्लीनिंग स्टेटस, तो यहाँ पर आ जाएगा क्लीन और स्टेटस, ठीक है, बिल्कुल सही है। क्लीन स्टेटस बिल्कुल परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोजीशन यहाँ पर X से हो जाएगी 306 और Y से सेम होगी, हाइट वेट सब कुछ सेम होगा। वापस एक बार क्लास को रन करते हैं, सभी लेबल्स की पोजीशन एक बार फाइनली चेक कर लेते हैं। क्लास हमारी रन हो चुकी है, पोजीशन सभी लेबल्स की हमारी बिल्कुल परफेक्टली हमारे फ्रेम पर विजिबल हो रही है। अब हमको यहाँ पर दो बटन चाहिए, एक होगा सर्च के लिए कि सिंगल बेड और डबल बेड अगर आप यहाँ से सिलेक्ट करते हो तो सर्च पर क्लिक करके आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो। अवेलेबल वाले चेकबॉक्स पर क्लिक करके जितने सिर्फ अवेलेबल होंगे वो आपके सामने विजिबल होंगे, ठीक है। तो इसके लिए दो बटन चाहिए, तो बटन्स को पहले ग्लोबली डिक्लेयर करवाना पड़ेगा, J बटन होंगी वो। तो ऊपर आते हैं, टेबल के नीचे आकर के मैं यहाँ पर J बटन का यूज़ करता हूँ, और एक होगी ऐड बटन, एक ऐड के नाम से बना लेता हूँ और एक बैक के नाम से बना लेता हूँ, ठीक है। ये दो बटन्स को क्रिएट कर लिया, वापस नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर जो हमारा टाइप है ना, ये टेबल हो गया, चॉइस हो गई, ये ट्राई एंड कैच है। ट्राई एंड कैच के नीचे आकर के यहाँ पर मैं दो बटन्स को लेने वाला हूँ। तो पहली बटन है हमारी सर्च की, तो सर्च की बटन बनी है ऐड नाम से, न्यू J बटन, बिल्कुल सही है। इसको कर दिया क्लोज। बटन पर क्या विजिबल करवाना है, सर्च, तो यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर सर्च दे देते हैं। सिंपली यहाँ पर ले लिया हमने सर्च, ठीक है। बटन को सर्च करवाना है, ठीक है, तो यहाँ पर सेट बाउंड करना पड़ेगा, तो ऐड डॉट सेट बाउंड, और यहाँ पर जो पोजीशन होगी X से 200, Y से 400, ब्रेथ 120, हाइट 30, कोई वापस से ऐड लिया। ऐड लेकर के अब हमको बैकग्राउंड को सेट करना है, तो सिंपली मैं यहाँ पर बैकग्राउंड को सेट करूँगा, और जो बटन का बैकग्राउंड होगा वो बाय डिफॉल्ट कलर चाहिए हमको, ठीक है। तो यहाँ पर कलर डॉट ब्लैक ले लिया, ऐड करते हैं। वापस से यहाँ पर अप करना पड़ेगा सेट फोरग्राउंड, यहाँ पर सेट फोरग्राउंड ले लिया, और कलर जो होगा वो हो जाएगा वाइट, जो फॉन्ट का कलर होगा वो वाइट होगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। एक्शन लिसनर को लगाना पड़ेगा, तो अभी रहने देते हैं, सिंपली ऐड करवा लेते हैं हम हमारे पैनल पर। पैनल डॉट ऐड किया, इसके अंदर पास कर देते हैं ऐड को, वन सेकेंड, यहाँ पर ऐड को पास कर देते हैं। इसको कर दिया क्लोज। एक और बटन होगी जो कि बैक के नाम से होगी, तो सिंपली मैं इस पूरे कोड को यहाँ से करता हूँ कॉपी, नीचे ला करके कर दूंगा यहाँ पर पेस्ट। ऐड जहाँ जहाँ पर है सभी जगह पर मैं रिमूव करके यहाँ पर कर दूंगा बैक, बिल्कुल परफेक्ट है। इसको किया कॉपी, सभी जगह पर मैं पोजीशंस को चेंज कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर पोजीशन चेंज कर दी, यहाँ पर भी बैक कर दिया, बी जो है वो कैपिटल हो जाएगा, बिल्कुल सही है। पोजीशन बैक बटन कितनी होगी, X से हो जाएगी यहाँ पर 380, यहाँ पर 380, Y से सेम रहेगी, हाइट एंड ब्रेथ सब कुछ सेम रहेगा। शिफ्ट प्लस F10 को प्रेस किया, क्लास हमारी रन होना शुरू हो चुकी है। बटन हमारे सामने हमारे फ्रेम पर विजिबल नहीं हो रही है, एक्चुअली पता नहीं क्यों हमारी जो बटन है वो हमारे फ्रेम पर नहीं आ रही है। तो हमारी जो बटन थी वो हमारे फ्रेम पर विजिबल नहीं हुई, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्चुअली हमारी बटन फ्रेम पर आई थी, ठीक है। अगर मैं अभी आपको वापस से एक बार रन करके बताऊं, तो यहाँ पर मैंने रन किया वापस से क्लास को, यहाँ पर आप देख सकते हो हमने यहाँ पर बटन्स को ऐड करवा लिया, बट हमारी जो टेबल है ना, उस टेबल की जो हाइट है
वो हाइट के कारण हमारी जो बटन है वो हाइड हो चुकी है, ठीक है, हमारी बटन टेबल के पीछे जा चुकी है, ठीक है, तो इसलिए विजिबल नहीं हो रही है। तो टेबल की जो हाइट है उसको हमको कम करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर ऊपर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद हमारी जो टेबल है चॉइस, यहाँ पर चेकबॉक्स है, लेबल्स, एक सेकेंड, यहाँ पर टेबल कहाँ गई, ये हमारी टेबल है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारी टेबल की हाइट 250 हमने दी थी, हम इसको सिंपली 150 दे करके एक बार वापस से मैं क्लास को रन करता हूँ। क्लास को मैंने वापस से रन किया, आप सामने देख पा रहे हो अब हमारी जो बटन्स हैं वो विजिबल हो रही हैं, ठीक है। मैंने टेबल की जो हाइट थी उसको कम कर दिया, हमारी बटन जो है वो परफेक्टली विजिबल हो चुकी हैं। अब जब हमारी सर्च बटन पर क्लिक होगा तब हमको क्या करवाना है और हमारी बैक बटन पर क्लिक होगा तब हमको क्या करवाना है वो एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। उसका कोड लिखते हैं। अब हमारी बटन पर क्लिक होने के बाद हमको क्या करवाना है उसके लिए हम कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले ये जो स्पेस है ना इसको थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं, सेट लेआउट के बाद यहाँ पर ज़्यादा ही स्पेस था, इसको रिमूव कर देते हैं और ऊपर आते हैं। यहाँ पर आकर के मेरे को यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर इम्प्लीमेंट करवाना है हमारे एक्शन लिसनर को। मैं यहाँ पर एक्शन लिसनर ले लेता हूँ और नीचे हमारे कंस्ट्रक्टर के बाहर आकर के, एक सेकेंड, हमारे कंस्ट्रक्टर के बाहर और मेन फंक्शन के ऊपर हमको यहाँ पर एक्शन परफॉर्म से हमारे जो एक्शन लिसनर है उसको ओवरराइड करवाना था। तो हमने ओवरराइड करवा लिया, ऊपर जो एरर था वो रिमूव हो गया, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर एक्शन परफॉर्म के अंदर अब हमारी जब बटन पर क्लिक होगा तो सबसे पहले तो यहाँ पर बटन पर आते हैं, ऐड बटन के यहाँ पर मेरे को क्या करना है, सिंपली ऐड डॉट ऐड एक्शन लिसनर करना पड़ेगा, ठीक है, और इसके अंदर पास कर देते हैं दिस को, बिल्कुल सही है। सेम चीज़ नीचे भी करना है बैक बटन पर, तो सिंपली बैक करके बैक डॉट ऐड एक्शन लिसनर, सिंपली एक्शन लिसनर को लगा लेते हैं और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ दिस को, बिल्कुल सही है। वापस हमारे एक्शन परफॉर्म के अंदर आकर के हम क्या करेंगे, अगर अब यहाँ पर कंडीशन लेना है, इफ़ कंडीशन, अगर हमारे ई डॉट गेट सोर्स करके अगर हमारे सोर्स में पता चलता है कि हमारी बटन पर क्लिक हुआ है, मतलब ऐड बटन पर अगर हमारी क्लिक हुआ है तब हमको क्या करवाना है। अगर हमारी ऐड बटन मतलब सर्च बटन पर क्लिक हुआ है तब हमको क्या करना है, दो क्वेरी को हिट करना पड़ेगा। तो मैं सिंपली सबसे पहले एक स्ट्रिंग लेता हूँ और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ क्या, क्यू ले लेता हूँ पहले तो, ठीक है, कैपिटल क्यू ले लेता हूँ यहाँ पर, स्ट्रिंग क्यू इक्वल्स टू, और क्वेरी क्या होगी हमारी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रूम। एक रूम टेबल के अंदर हमको क्या सेलेक्ट करना है कि सिंगल बेड सेलेक्ट हुआ है ऊपर या फिर डबल बेड सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए हम लेते हैं सेलेक्ट और फिर इसको करके स्टार फ्रॉम और हमारा यहाँ पर रूम टेबल जहाँ पर हमारे बेड टाइप मैच हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली मैं वेयर लेता हूँ और कॉलम का नेम हमने बेड दिया था, बेड अंडरस्कोर टाइप, वन सेकेंड, बेड अंडरस्कोर टाइप इक्वल्स टू करके यहाँ पर सिंगल कोट्स और फिर यहाँ पर डबल कोट्स, फिर वापस से डबल प्लस के साइन, ठीक है। और यहाँ पर मेरे को क्या पास कराना है, हमारा जो ड्रॉप डाउन था, ठीक है, उसको हमने क्या लिया था, यहाँ पर चॉइस के नाम से लिया हुआ, एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ चॉइस के नाम से लिया हुआ है। तो मैंने इसको कॉपी किया और डबल प्लस के साइन के बीच में मैं यहाँ पर चॉइस को पेस्ट कर देता हूँ और इसको पेस्ट करने के बाद कौन सा आइटम सेलेक्ट हुआ है वो पता करना है। तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, गेट सेलेक्टेड आइटम। तो हमने यहाँ पर क्वेरी में बोला क्या, हमने सिंपली यहाँ पर बोला सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रूम, हमारे रूम टेबल के अंदर जाओ और वहाँ पर मैच करो कि कॉलम डेटा टाइप जो है, बेड टाइप जो हमारा कॉलम है, उस कॉलम के अंदर वहाँ पर जो भी यूज़र ने सेलेक्ट किया है वो वैल्यू को मैच करो, ठीक है। अगर यूज़र ने सिंगल बेड मैच किया है तो पूरा सिंगल बेड वाली जो कॉलम्स हैं उनको चेक करो और जितने डबल बेड वाले हैं तो वो डबल बेड वाले जो रूम्स हैं उनको चेक करो, ठीक है। अब इस क्वेरी के साथ में एक और क्वेरी को हमको रन करना पड़ेगा, अगर यूज़र ने जो चेक अवेलेबल वाला जो हमारा चेकबॉक्स है, ठीक है, उसको अगर क्लिक किया होगा तब क्या करना है। तो इसलिए हम एक और क्वेरी को रन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर Q1 दे देता हूँ मैं, ठीक है, Q1 इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर हम यहाँ पर वापस से सेम क्वेरी को लिखने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ ऊपर से। यहाँ पर मैंने सिंपली इसको कॉपी किया और यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर ला करके कर दूंगा पेस्ट। अब यहाँ पर जो हमारा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रूम है ये सब कुछ सेम रहेगा, वेयर बेड टाइप जो है वो भी सब कुछ सेम रहेगा, हमको कुछ भी चेंज नहीं करना है। हमको सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, रूम के बाद जहाँ पर वेयर है, ठीक है, इस वेयर का जहाँ पर हमने यूज़ किया है इसके बाद हमको आना है और यहाँ पर लेना है अवेलेबिलिटी। सिंपली मैं यहाँ पर ले लेता हूँ
सिंपली मैंने यहाँ पर अवेलेबिलिटी ले लिया, इक्वल्स टू करते हैं सिंगल कोट्स के अंदर यहाँ पर मेरे को पास करना है अवेलेबल। सिंपली मैंने यहाँ पर दे दिया अवेलेबल। अब जिस भी कॉलम के अंदर अवेलेबल अवेलेबल होगा, अवेलेबल अवेलेबल होगा मतलब इसका थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा आप लोगों को, तो अवेलेबल अवेलेबल होगा मतलब क्या है कि अगर हमारे जिस भी कॉलम के अंदर रूम के अंदर, ठीक है, रूम टेबल के अंदर जो हमारा अवेलेबिलिटी वाला जो कॉलम है उसके अंदर हमने क्या सेव करवाया है, अवेलेबल या ऑक्यूपाइड, ठीक है। अगर इसको इस अवेलेबिलिटी वाला जो हमारा कॉलम है इसके अंदर अवेलेबल मिलता है, ये वाला जो हमारा लेटर है, ये वाला जो हमारा स्पेलिंग है, ये मिल जाती है, तो वो उस डेटा को यहाँ पर निकाल करके स्टोर करवा देगा, ठीक है, निकाल करके ले आएगा। और सेम बेड टाइप को तो चेक करवाना ही करवाना है हमको, तो ऐसे चीज़ है। इसको कर देते हैं क्लोज यहाँ पर, वन सेकेंड, इसको कर देते हैं क्लोज, बिल्कुल सही है। दोनों क्वेरी हमारी बन करके रेडी हो चुकी हैं। अब क्वेरी को रन करना पड़ेगा और जो भी डेटा है हमको उसको निकालना पड़ेगा, तो सिंपली ट्राई एंड कैच ले लेते हैं। पहले तो यहाँ पर मैं कैच ले लेता हूँ, एक्सेप्शन आने के चांसेस है, तो ई ले लेते हैं, कैपिटल ई लेना होगा, स्मॉल ई लोगे तो एरर आएगा। सिंपली कैपिटल ई लेकर के ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस किया, टाइप के अंदर आते हैं, यहाँ पर कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट कनेक्शन सी इक्वल्स टू न्यू कनेक्शन बनाते हैं, इसको क्लोज कर दिया। नीचे आकर के रिजल्ट सेट को यहाँ पर लेना पड़ेगा क्योंकि डेटा आकर के हमारा रिजल्ट सेट के अंदर स्टोर होने वाला है, तो सिंपली मैंने यहाँ पर ले लिया रिजल्ट सेट। और यहाँ पर रिजल्ट सेट इक्वल्स टू सी डॉट स्टेटमेंट और फिर करेंगे एग्जीक्यूट क्वेरी और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा क्यू को, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी डेटा होगा वो हमारी टेबल के अंदर डॉट सेट मॉडल की हेल्प से, साथ में डीबी यूटिल की हेल्प से, डीबी यूटिल डॉट हमारे रिजल्ट सेट टू टेबल मॉडल के अंदर से हमारे टेबल पर स्टोर हो जाएगा। तो सिंपली हमको यहाँ पर पास कर देना है रिजल्ट सेट, यहाँ पर ले लिया रिजल्ट सेट, ठीक है। अब जो भी डेटा निकल कर हमारी पहली क्वेरी में से आएगा वो आकर के स्टोर हो जाएगा हमारे टेबल के अंदर, ठीक है। अब दूसरी क्वेरी को जो क्यू वन है उसको भी रन करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर कंडीशन लगानी पड़ेगी और इसके अंदर बोलेंगे हमारा जो चेक रूम, मतलब चेक रूम कौन सा है हमारा, हमारी चेक बॉक्स है कि अवेलेबल है या फिर नहीं, अगर उस पर क्लिक होगा तो हमारी जो सेकंड क्वेरी है वो रन होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, चेक बॉक्स जो हमने बनाया है इस पर करते हैं और चेक बॉक्स डॉट इज सिलेक्टेड, अगर हमारा चेक बॉक्स सिलेक्टेड होगा तब हमको क्या करना है, सेम चीज रिजल्ट सेट, इक्वल्स टू यहाँ पर रिजल्ट सेट वापस से लेंगे, रिजल्ट सेट वन ले लेंगे क्योंकि ऊपर ले चुके हैं एक्चुअली, तो सिंपली रिजल्ट सेट वन इक्वल्स टू सी डॉट स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, वन सेकेंड क्या हो रहा है, यहाँ पर करना है एग्जीक्यूट क्वेरी और इसके बाद हमको यहाँ पर पास कर देना है क्यू वन को, ठीक है, कैपिटल क्यू है क्यू वन और इसको कर दिया क्लोज, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ होगी, अब जो भी डेटा निकल कर आएगा हमको टेबल में स्टोर करवाना है, तो टेबल डॉट सेट मॉडल और इसके अंदर डीबी यूटिल्स, ठीक है, डीबी यूटिल्स रिजल्ट सेट टू टेबल मॉडल करके इसके अंदर वापस से पास कर देंगे रिजल्ट सेट वन को, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ट्राई एंड कैच के अंदर है तो एक्सेप्शन का पता चल ही जाएगा और सेट विजिबिलिटी को फॉल्स करवा देंगे, अगर हमारी बैक बटन पर क्लिक होगा तो यहाँ पर आ जाते हैं नीचे, और नीचे आने के बाद यहाँ पर मेरे को लेना पड़ेगा एल्स और एल्स लेकर के यहाँ पर बॉडी को ओपन करके सेट विजिबिलिटी में यहाँ पर फॉल्स करने वाला हूँ, यहाँ पर ले लेते हैं फॉल्स, ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब एक बार क्लास को रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा डेटा हमारे अकॉर्डिंग आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, तो शिफ्ट प्लस F10 को प्रेस किया मैंने, क्लास हमारी रन होना शुरू हो चुकी है। यहाँ पर हमारी क्लास जो है वो बिल्कुल परफेक्टली रन हो चुकी है। यहाँ पर सिंगल बेड और डबल बेड का ऑप्शन है, मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर डबल बेड को सिलेक्ट करता हूँ, सर्च पर क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो टेबल हमारी रीसेट हो चुकी है वापस से और यहाँ पर सिर्फ डबल बेड वाले जितने रूम्स हैं हमारे पास वो अवेलेबल हो रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही से काम किया। यहाँ पर अब मैं वापस से सिंगल बेड करके एक बार सर्च पर क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हो सिर्फ सिंगल बेड वाले जो हमारे रूम्स हैं वो हमारी टेबल पर विजिबल हो रहे हैं। अब डबल बेड करता हूँ और साथ में अवेलेबल वाले जो चेकबॉक्स है इस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, सिर्फ अवेलेबल वाले चेकबॉक्स पर क्लिक किया, वापस से सर्च पर क्लिक करता हूँ तो हमको एरर आ गया। क्यों एरर आ गया, यहाँ पर मैं बैक करता हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हो हमको कुछ ना कुछ एरर मिला और हमारा जो एरर है
वो ये बोल रहा है कि हमने यहाँ पर SQL का जो हमारा सिंटेक्स है वो गलत लिखा, और जो हमारा एरर है वो यहाँ पर क्यों आ रहा है, यहाँ पर हमने जो SQL का जो सिंटेक्स है हमारा वो हमने गलत लिखा, हमने यहाँ पर एंड का तो यूज़ किया ही नहीं, हमको सिंपली यहाँ पर एंड प्रोवाइड करवा देना है। मैं यहाँ पर एंड ले लेता हूँ, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब हमारा जो सिंटेक्स एरर था वो रिमूव हो जाना चाहिए, तो मैं वापस से एक बार क्लास को रन करता हूँ, ठीक है। जो हमारा पहली क्वेरी थी वो बिल्कुल सही थी, और जो दूसरी क्वेरी है वो हमारी काम नहीं करी। यहाँ पर अब मैं वापस से क्या करता हूँ, आप देखो यहाँ पर ऑक्यूपाइड कौन सा रूम है, 102 जो है वो ऑक्यूपाइड है। तो अब हमारा जो सिंगल बेड में, एक्चुअली डबल बेड में, तो डबल बेड को सिलेक्ट करते हैं, और ये 102 जो होगा वो हमारा ये चेकबॉक्स क्लिक करने के बाद नहीं अवेलेबल होगा, मतलब शो नहीं होगा। मैं यहाँ पर डबल बेड सिलेक्ट करता हूँ, चेकबॉक्स पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर सर्च बटन पर क्लिक करता हूँ, तो अब देखो बिल्कुल परफेक्टली हमारा कोड जो है वो रन हुआ, ठीक है, कोई भी एरर हमको नहीं मिला यहाँ पर। और 102 वाला जो हमारा रूम है जो ऑक्यूपाइड है वो यहाँ से रिमूव हो गया, सिर्फ जो अवेलेबल रूम्स हैं डबल बेड में वो यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर इस चेकबॉक्स को अनचेक कर देता हूँ और डबल बेड को सिलेक्ट रह करके वापस सर्च पर क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पर देखो 102 जो ऑक्यूपाइड है वो भी हमको अब विजिबल होने लगा। चेकबॉक्स पर वापस क्लिक करके सर्च पर क्लिक करता हूँ तो ऑक्यूपाइड वाला जो रूम था वो हमारा रिमूव हो गया, ठीक है। तो ये पूरी क्लास जो है ये बनकर रेडी हो चुकी है, सभी फंक्शंस को हमने क्रिएट कर लिया है सभी तरीके से, ठीक है। सिर्फ इसके ऊपर क्या करना है, सेट अनडेकोरेटेड कर देते हैं। यहाँ पर मैं करता हूँ सेट अनडेकोरेटेड, इसको मैं पास कर दूंगा यहाँ पर ट्रू, बिल्कुल सही है। रिसेप्शन क्लास पर आ जाते हैं, यहाँ पर वन सेकेंड, रिसेप्शन क्लास को मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने रिसेप्शन क्लास को ओपन कर लिया, और सर्च रूम वाला जो हमारा टैब है, नीचे आ करके यहाँ पर और नीचे आना पड़ेगा, पिकअप से सर्विस, हाँ ये सर्च रूम, ठीक है। ये सर्च रूम के अंदर बटन के अंदर आके ट्राई वाला जो है इसके अंदर मैं न्यू सर्च रूम के नाम से जो हमारी क्लास है इसको ओपन करवा लेना है। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर राइट क्लिक करके रिसेप्शन क्लास को रन करते हैं, हमारी रिसेप्शन क्लास है वो रन हो चुकी है। यहाँ पर सर्च रूम पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो हमारा जो फ्रेम है वो विजिबल हो रहा है बिल्कुल परफेक्टली, ठीक है। सिंगल बेड चाहिए, यहाँ पर सर्च पर क्लिक किया, सिंगल बेड दो ही रूम्स है हमारे पास वो अवेलेबल हो रहा है। डबल बेड पर क्लिक किया, तीन रूम्स हैं, एक ऑक्यूपाइड है वो भी विजिबल हो रहा है। 102 यहाँ पर जैसे ही मैं ओनली डिस्प्ले अवेलेबल पर वो चेक करता हूँ तो 102 जो है वो रिमूव हो जाना चाहिए हमारी टेबल से। तो सर्च पर क्लिक किया, 102 रिमूव हो गया, देखो डबल बेड में सिर्फ दो रूम्स अवेलेबल है हमारे पास, 103 105, बिल्कुल सही है। बैक पर क्लिक किया, हमारा जो है बटन वो क्लोज हो चुका है, हमारा फ्रेम क्लोज हो चुका है, फ्रेम इसको भी क्लोज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से सभी क्लासेस को मैं स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है, बिल्कुल सही है। और होप सो आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हों, कोई भी अगर डाउट है तो टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही होगी, आप चैनल, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, साथ में हमारे डिस्कशन ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपके पास जो भी डाउट है वो आप हमसे क्लियर कर सकते हो, जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही होगी, एक्सेप्शंस आ रहे होंगे, वो सभी प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करके वहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगर आपके पास कोई न्यू प्रोजेक्ट आइडिया है तो वो भी आप हमसे वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर सकते हो, आगे इन फ्यूचर में हम आपके लिए वैसे ही प्रोजेक्ट्स लेकर के आते जाएंगे। तो वीडियो में एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट दी सब्सक्राइब बटन, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना ऐसे ही क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, बाय बाय।